नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस योग के वीडियो टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे और देखेंगे, करके देखेंगे पूरा वीडियो में, वो रहेगा हमारे प्राणायाम के बारे में। तो जैसा कि प्राणायाम के लिए मैं अभी इस समय वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो उनमें से कपालभाति हो गया है और भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है। इसके अलावा किस सिक्वेंस में, किस क्रम में करना चाहिए अलग अलग प्राणायाम को, वो भी उसके भी वीडियो अपलोड हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है। आज के वीडियो के क्रम में ही अभी एक एक करके सभी प्राणायाम की वीडियो बताए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो बताया जाएगा वो रहेगा चंद्रभेदी प्राणायाम। शरीर में जिस तरह सूर्य का तेज रहता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार शरीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए चंद्र का भी प्रभाव रहता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम बोला गया है करने के लिए। प्राणायाम को शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, आप चटाई बिछा लें, कोई भी बिछौना बिछा लें, आप घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, इस समय लॉकडाउन के दौरान सुखासन में बैठ जाएं या नॉर्मल पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठने में आपकी कमर सीधी करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और आपको अपने हाथ जो है इस तरह से रख लेना है। आपको अपने दाएं हाथ में आपको ये दोनों उंगली को मोड़ लेना है और ये दोनों उंगली कर लेना है, विश्व मुद्रा में लगा लेना है। और आपको इस प्राणायाम को करते वक्त, कोई भी प्राणायाम जब करिए, तो आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखना है और वीडियो पहले देख लीजिए और सीख लीजिए, उसके बाद इसको करिए, वीडियो के साथ साथ नहीं करिए। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको बाएं साइड से लेनी है धीरे धीरे तेजी से, आपको बंद कर देनी है दोनों नाक को, रोक के रखना है 1-2 सेकंड, जिसको जिसकी क्षमता हो। उसके बाद आपको दाएं नाक से छोड़नी है और फिर से बाएं नाक से खींचना है। तो इस तरह से आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। इस प्राणायाम को करने में कोई समस्या नहीं होगी, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, तेजी से सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे ही करना है। इसके लाभ और हानियां मैं बताऊंगा लास्ट में। तो करते हैं, पहले हमने इस दाएं हाथ, आपको हाथ की पोजीशन ऐसी रखनी है ताकि आपकी थकान ना हो, ये हाथ सामने रहेगा। अब धीरे से आप सांस लेंगे, इस तरह से, ये मैंने एक राउंड करके बताया हुआ है, इस तरह से आप 5-10 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आप 1 मिनट के लिए करिए लगातार, उसके बाद रिलैक्स करिए, जैसे मैं लास्ट में मैंने रिलैक्स किया, लंबी गहरी सांस ली, उसके बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्रभेदी फायदे की यदि हम बात करें, तो ऐसे व्यक्ति जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो लोग चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, उनको नींद प्रॉपर आएगी। इसके अलावा दिन भर काम करके यदि शरीर में कोई भी टिश्यू या भी कोई अंग क्षतिग्रस्त हुआ है नॉर्मली, जिसमें दर्द नहीं होता है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम के जरिए उसकी हीलिंग होती है, वो ठीक होता है। इसलिए चंद्रभेदी प्राणायाम को करना चाहिए। खासकर इस प्राणायाम को गर्मी के दौरान तो करना ही चाहिए, जिन लोगों में सूर्य का तेज ज़्यादा रहता है, यानी जो लोग हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनको संतुलित करने के लिए या शांत करने के लिए उनको करना चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको अपच होता है, खाना पचता नहीं है, वो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने के साथ साथ कर सकते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम को भी, तो उनको इंडाइजेशन की जो समस्या होती है वो भी दूर होगी। इसके अलावा आपको तनाव है, आपको चिंताएं ज़्यादा रहती है, आप में पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो लोग चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तुलित हो जाता है, तो उन सभी के लिए ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। तेजी से यदि सावधानियों की बात करें, तो चंद्रभेदी प्राणायाम को तेजी से नहीं करना है, आपको आराम से ही करना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना है, उनको कोई दिक्कत आती है तो उनको नहीं करना है, वीडियो देखकर नहीं करना है, उनको योग निर्देशक की देख रेख में करना चाहिए, या पूछ सकते हैं आप हमें खुद भी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिटेल दी गई, इनमें किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं आप, तो हम बता देंगे आपको
इसके अलावा आप इसको कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत होती है यदि आपको किसी को बैठने में तो कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम करें तो जरूर सांस लेने के बाद 1 या 2 सेकंड के लिए रोके सांस को होल्ड करें। सांस लेने का क्रम यदि आप 4 सेकंड खींचते हैं तो फिर आप होल्ड करिए 1 सेकंड या 2 सेकंड और छोड़िए 8 सेकंड। यदि आप 8 सेकंड नहीं पाते हैं सांस को धीरे धीरे तो आप 6 सेकंड तक छोड़िए। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता जाएगा, 1 हफ्ते के बाद ही आपको होल्ड करने की भी क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़े की भी क्षमता बढ़ेगी और आप इसमें अपने अलग अलग तरीके से अपने फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे और इम्यूनिटी को गेन कर पाएंगे। इस समय लॉकडाउन के दौरान इस दिक्कत में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करिए, अपने परिवार के देख रेख करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।